हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी, विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। चलिए तो आज डीआरडीओ की क्लास में क्या बात किया जाए। जैसा कि आपको पता है, डीआरडीओ का जो पेपर है वो अप्रैल मिड में होने की संभावना है, क्योंकि ये खबर लगा पता चला है कि अप्रैल मिड में हो जाएगा। और सर, आज से ही अनअकैडमी पे डीआरडीओ की क्लास शुरू हो गई और दोपहर में हितेश सर की रीजनिंग शुरू हुआ है, और आने वाले समय में मेरा और आकाश सर का दोनों के लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल तैयारी करिए, एक महीने से कम समय आपके पास है, और जुड़िए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ डीआरडीओ के लिए। ठीक है, तो याद रहे कैसे जुड़ना है, वाईफाई चैंप कोड को यूज करने करके, ताकि आपको देश 10% का कुछ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 इज गिवन टू लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किसे दिया गया है, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या लुइस हैमिल्टन, फुटबॉलर लियोनेल मेसी या राफेल नडाल या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर वन कहता है सर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि जो गलती एसएससी में आप लोगों ने किया है, तैयारी किया नहीं, कई सारे बच्चे ने मैसेज करा सर सीजीएल छोड़ दे रहे हैं, सितंबर में सीजीएल आ रहा है उसमें फोकस करेंगे, तो सर ऐसे ही सब वैकेंसी निकलते चले जाएंगे, हमारा तैयारी आधा अधूरा होता है, तो इस बार गलती ना करिए और जुड़िए बहुत वाईफाई चैंप टीम के साथ। जवाब क्या होगा बच्चों, दो लोगों को मिला है, लुइस हैमिल्टन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी। किसे मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है, यानी मेसी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहां? अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ताकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, तो क्वेश्चन एक बन सकता है यहां कि सर पहले फुटबॉलर जिसे लॉरियस ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौन है? लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, इनमें से किसे 2019 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुलेला गोपीचंद, पारुपल्ली कश्यप, प्रकाश पादुकोण या बी साई प्रणीत। कहता है, इनमें से किसे 2019 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सर आप हमेशा समझिएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़े उतना कम है। तो बस हम लोग करेंगे क्या कि कंसाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। तो क्या होगा ये? पुलेला गोपीचंद को कौन सा अवार्ड? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी भारत के मुख्य बैडमिंटन कोच। अब सवाल उठेगा, सर पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो मुख्य बैडमिंटन कोच हैं, यानी बैडमिंटन से संबंधित हैं, प्रतिष्ठित 2019 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए द बैंकर पत्रिका द्वारा किसे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया गया है? बताइए क्या होगा? क्रिस्टिना लेगार्ड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, या जेरोम पॉवेल, फेडरल रिजर्व, या एलविरा नबुलिना, सेंट्रल बैंक ऑफ रूस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़िएगा, कहा एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जब एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहा है तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ऐसा ही ऑप्शन खत्म हो गया, छाटिए ना। तो जवाब क्या होगा? भारत के गवर्नर यानी शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को द बैंकर पत्रिका द्वारा द बैंकर 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। तो कहां सम्मानित किया गया बच्चों? लंदन में सम्मानित किया गया, फाइनेंशियल टाइम्स के स्वामित्व में, यानी किसने सम्मानित किया? तो फाइनेंशियल टाइम्स ने सम्मानित किया लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज बीन अवार्डेड 29th सरस्वती सम्मान, 29वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? के शिव रेड्डी, वासुदेव मोही, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ। सबसे पहली चीज कि सर सरस्वती सम्मान किसे संबंधित है? तो ये साहित्य से है, लिटरेचर से है। किससे बच्चों? लिटरेचर से है, साहित्य से है। क्या जवाब होगा इसका? वासुदेव मोही। 29वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपको समझने में आसानी होगी जब रिविजन करोगे। प्रख्यात सिंधी लेखक, किस भाषा के लेखक हैं? सिंधी लेखक। वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो किसके लिए मिला है?
तो उन्हें उनके लघु कथा संग्रह यानी क्यों क्यों मिला बच्चों, तो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन नाम क्या है, चेकबुक, क्या नाम है, चेकबुक के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन क्या बनेंगे, तीन क्वेश्चन बनेंगे। सर इस बार का जो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, वासुदेव मोही को, किस भाषा के लिए, सिंधी भाषा के लिए, कौन से कथा संग्रह के लिए, तो चेकबुक के लिए। यानी तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस सेंटेंस से। विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के विजेता का नाम बताइए, क्या करना है, नेम द विनर ऑफ द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019। पीवी संधू, दूती चंद, रानी रामपाल या हिमा दास। हिमा दास यानी धिंग एक्सप्रेस कहा जाता है ना इसे, धिंग एक्सप्रेस। तो क्या होगा बच्चों, रानी रामपाल यानी महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और उदाहरण के साथ यानी खेल के क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता के लिए विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। वह वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी है। देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन निकल कर आया कि पहली खिलाड़ी जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जीता गया, तो कौन है, रानी रामपाल है जो हॉकी की कैप्टन है। सर कामारेड्डी जिले को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा और शिक्षा कोष यानी यूनिसेफ, क्या बच्चों, यूनिसेफ द्वारा 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या ओडिशा। कामारेड्डी जिला, ओडिशा तो छाड़ देंगे, कामारेड्डी की बात करता है, कहां जाएगा रेड्डी बंधु, कहां है, कहां देखने को मिलते हैं रेड्डी बंधु, रेड्डी बंधु देखने को मिलते हैं कहां, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश सहित तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो कामारेड्डी जिले को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा और शिक्षा कोष 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस जिला में, कामारेड्डी जिला है, तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने जल स्वच्छता किस क्षेत्र में मिला है, ये देखिए, जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चलिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा और शिक्षा कोष यूनिसेफ 2019 पुरस्कार प्राप्त किया है। 2019 के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, 2019 के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब, चलिए 2019 के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब टोनी एन सिंह किसने जीता बच्चों, टोनी एन सिंह ने जीता है, यानी वर्ष 2019 के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जमैका के टोनी एन सिंह ने जीता है 14 दिसंबर को लंदन ब्रिटेन में वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता में। 23 वर्षीय टोनी एन सिंह फ्लोरिडा के स्टेट यूनिवर्सिटी में एक महिला अध्ययन और मनोविज्ञान की छात्रा है। तो कहां के, जमैका, याद करिए जमैका के कौन प्लेयर है फेमस, उसैन बोल्ट, कहां के, उसैन बोल्ट जमैका। 2019 के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसने जीता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसने जीता, डॉक्टर ए एस किरण कुमार, के सीवन, पद्मजा चुंदरू या के सेंथिल कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस बार मौका छोड़ना नहीं है, इस बार मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर इस बार अगर गलती कर बैठे, चूक गए, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा डीआरडीओ में, क्योंकि इतने लास्ट नंबर पर वैकेंसी निकलती कहां है यार, और ऊपर से नेगेटिव नहीं है, इंग्लिश नहीं है, इसलिए कहते हैं कि यहां आप पढ़ाई करते हैं बिल्कुल पढ़िए आप, लेकिन अगर आपको लगता है सर कि मैं जुड़ सकता हूं अनअकैडमी पे, तो जरूर जुड़िए सर, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। तो जो गोल वाला सिलेक्शन सेक्शन है ना, जहां आप जाते हो गोल सेलेक्ट करना, तो वहां क्या करना होगा, एफकैट सेलेक्ट करना होगा, ताकि आप पहुंच सको आप, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसने जीता है, सॉरी
एस किरण कुमार, कैलाश वार्दिव सीवन, पद्मजा चुंदरू या के सिंथिल कुमार। तो आपको पता होना चाहिए सर, के सीवन जो इसरो के चेयरमैन है, कौन है बच्चों? इसरो चेयरमैन के सीवन है, इसरो के चेयरमैन के सीवन है। समझ में आ गया? अच्छा सर, आज ब्लैक मैजिक शो क्यों नहीं हुआ? बच्चों ब्लैक मैजिक शो इसलिए नहीं हुआ कि कल अफवाहें उड़ी थी दिल्ली में, र्यूमर था कि सीए को लेके कुछ हंगामा हुआ है, इस कारण से मॉर्निंग में पहुंच नहीं सके, स्टूडियो ओपन हो नहीं पाया, इस कारण से हुआ नहीं। देखा होगा आपने, कृति मैम का भी क्लास नहीं हुआ था मॉर्निंग 7 बजे जो होता है रेगुलर, 6 बजे जो जाता है वो भी मतलब क्लास हो नहीं पाया सुबह में। मेरी पहली लेक्चर लगी सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी पे, इसीलिए कल क्लास नहीं, इसीलिए आज ब्लैक मैजिक शो नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट बार से जरूर होगा, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसने जीता? के सीवन, जो इसरो के चेयरमैन है। क्या है बच्चों? इसरो के चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये देखिए, कहता है सर इसरो चेयरमैन डॉक्टर कैलाश वार्दिव सीवन हैज बीन कन्फर्ड विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर द ईयर 2019 बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब एक सवाल और उठता है कि सर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो किसने दिया? समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु सरकार ने दिया। किसने दिया? तमिलनाडु सरकार ने दिया। यानी कि समझना पड़ेगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कैलाश सिद्धू सीवन को तमिलनाडु सरकार द्वारा 2019 के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। द डॉन अवार्ड 2019 इज गिवन टू, द डॉन अवार्ड 2019 किसको दिया जाता है, किसको दिया गया? ऐसे भी समझ सकते हैं, एस्ले बाटी, कट फर्नेल, जेब हॉर्न, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा, और तैयारी करिए सर, इस बार मौका चूकना नहीं है। CHSL भी सामने पेपर है, क्योंकि यार देखो एक चीज़ समझना, वैकेंसी आती रहेगी जाती रहेगी, आपका जो समय है वो निकल जाएगा। कई सारे बच्चों को लगता है सर ये रोज का आदत है, आप रोज बोलते हो, मोटिवेट करते हो, लेकिन फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये गलती करते ही ना करो बच्चों, ये गलती आप करते ही ना करो जो गलती कर चुके हो CHSL और CGL में। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहली बार एग्जाम, ऐसा नहीं कि कई सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। आपने MTS एग्जाम दे रखा होगा, CHSL एग्जाम दे रखा होगा, कितनी बार एग्जाम देंगे? तो कभी ना कभी तो अपने आप में कमिटमेंट करना होगा, कभी ना कभी तो कमिट होना होगा अपने आप से कि सर ये मेरा लास्ट एग्जाम होगा, ये मेरा लास्ट एग्जाम होगा, कि हर बार एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा जवाब इसका? जवाब होगा इसलिए बाटी, यानी द डॉन अवार्ड 2019 किसे दिया गया? एस्ले बाटी को दिया गया। किसे दिया गया? एस्ले बाटी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वर्ल्ड नंबर एस्ले बाटी को ऑस्ट्रेलियाई खेल से सम्मानित किया गया है, यानी कहां का? ऑस्ट्रेलियाई खेल से। लास्ट क्वेश्चन, 2019 बुकर पुरस्कार किसने जीता? हु ओन द 2019 बुकर प्राइज? अन्ना बंस और सैल रूनी, जॉर्ज सॉन्डर्स और अल्ला बंस, फिर मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, पॉल बीटी और मार्लोन जेम्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10? चलिए पता ही क्या होगा, क्या जवाब निकल कर आएगा बच्चों इसका? तो मान बुक जो 2019 का बुकर पुरस्कार है वो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया। शायद दो पहली बार है कि दो लोगों को दिया गया, ये याद रखना, पहली बार ऐसा है जो दो लोगों को दिया गया है। यानी कनाडाई लेखक मार्गरेट एटवुड और एंग्लो नाइजेरियाई लेखक बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से फिक्शन 2019 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं फिर से कहूंगा आपसे कि अगर आपने DRDO का सपना देखा है तो आप अपने सपने का साकार वाईफाई चैम टीम के साथ करिए, क्योंकि सर बिल्कुल ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको, चाहे वो इंग्लिश की बात करें जब प्री पास करेंगे तो मेंस में, या मैथ की बात कर लें, क्योंकि सर लड़ाई जो है
35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 मैथ और 30 क्वेश्चन जीके की है, जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि जीके में क्या पता है, ये टाइम कंज्यूम है, टाइम बचाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। और जीके को ऐसा डिजाइन किया गया है कृति मैम और मैं, जो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो कई सारे बच्चों को सर शिकायत रहता है जुड़ना कैसे है, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, देख लेते हैं। मार्गरेट एटवुड ने अपने उपन्यास द टेस्टामेंट्स और बर्नार्डिन एवरिस्टो को अपने उपन्यास गर्ल वुमेन अदर के लिए जीता है। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो क्या कहोगी सर, द टेस्टामेंट्स, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो गर्ल वुमेन अदर के लिए जीता है। अब देखिए ये कुछ प्रोसेस है जिससे आप जुड़ सकते हो वाईफाई चैंप टीम के साथ। तो याद रहे आप छूटे नहीं, हमेशा याद रखिएगा आप छूटे नहीं। ये 7 प्रोसेस है। पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन करें, अपने गोल को सेलेक्ट करें, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे वहां पर आप जो कोड है वाईफाई चैंप डालिए, इसके बाद लास्ट में पेमेंट गेटवे करना है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। तो हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि सर पहले क्लास से जुड़िए ताकि आपका जो तैयारी का फ्लो है वो बिल्कुल निकल कर आए, क्योंकि आज ही हितेश सर का रीडिंग शुरू हुआ है, बहुत जल्द हमारा और आकाश सर का भी लेक्चर देखने को मिलेगा। तो जुड़िए वाईफाई चैंप टीम के साथ, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।